सिटी हलचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। बुधवार को मुरादाबाद तहसील में मचा हड़कंप। जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह पहुंचे रियलिटी चेक करने। आकाश ग्रुप के द्वारा हो रही धोखाधड़ी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा कमिश्नर कार्यालय पर किया गया प्रदर्शन। अपर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने पोषाहार कैंप का किया शुभारंभ। साथ ही बच्चों को ड्रॉप पिलाने की अपील। सदर कोतवाली में वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी से 38 लाख रुपए मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने करेंसी की जांच की शुरू। बुधवार को हड़तला झांझनपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बाल स्वास्थ्य पोषाहार कैंप का शुभारंभ किया। साथ ही लोगों से बच्चों को ड्रॉप पिलाने की अपील भी की। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत जिला पोषण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उनमें हर हाल में सुधार लाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। सभी लोग मौजूद हैं, उनका यह है कि तहसील में नायब तहसीलदार से लेकर के डीएम तक कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी हो, कोई भी अफसर हो, जो भी सरकारी ऑफिस को होल्ड करता है, ये छोटा सा उसे जन शिकायत रजिस्टर बनाना है जिससे उसे उस अवधि की शिकायतें दर्ज करनी है, उसका नाम ठीक है, ये उसे प्रत्येक दशा में करना ही करना है। और ये देख लीजिएगा कि किसी के भी ऑफिस में अभी प्राय मेरे पास शिकायतें मिलती रहती हैं 45 मिनट तक, वहाँ न तहसीलदार थे, न नायब तहसीलदार थे, ना वो केवल एक नाजिर, ना कोई बाबू था। बाबू के लिए भले टाइम में भी वो बीच में आया था कि। इस मौके पर CDO डॉक्टर उज्जवल कुमार, CMO डॉक्टर संजीव यादव आदि तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को हड़तला झांझनपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बाल स्वास्थ्य पोषाहार कैंप का शुभारंभ किया। साथ ही लोगों से बच्चों को ड्रॉप पिलाने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर है। इसी को लेकर सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष और बाल स्वास्थ्य पोषण माह जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज झांझनपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर DM राकेश कुमार सिंह ने बच्चों को पोषाहार ड्रॉप पिलाई। जरा नाम लिख लेना। क्या हुआ पिया, क्यों भाई पढ़ने जाती है? अरे पढ़ने जा रही है, थर्ड में है। इस दौरान जिला अधिकारी ने लोगों से बच्चों को ड्रॉप लाने की अपील भी की। ये यहाँ पे हम आए थे बेसिकली, आज जो है ये बाल स्वास्थ्य पोषण माह जो है वो मनाया जा रहा है, जिसके तहत 9 माह से लेकर के 5 साल के बच्चों को ये लोग विटामिन ए का डोज देते हैं। और बाल स्वास्थ्य माह के अवसर पे मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वह बच्चों को अपने स्वस्थ रखें। और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि पैदा होने के बाद जो कार्ड ANM सेंटर या PHC CHC से मिलता है उसको माँ बाप पढ़ें, उसको ठीक से जो है देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें बच्चों के लिए लिखी हुई, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके हिसाब से जो है उनकी लाइफ स्टाइल को बनाएं, उससे जो है बच्चों में कुपोषण की समस्या दूर हो। इस दौरान CMO डॉक्टर संजीव यादव, DIO डॉक्टर रणवीर सिंह, नोडल अधिकारी डॉक्टर SC मिश्रा, तौहीद, रजनी त्यागी, CDPO अनीता देवी भी मौजूद रहे। बुधवार को तहसील में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी रियलिटी चेक करने पहुंचे। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने तहसील मुरादाबाद का आकस्मिक निरीक्षण किया और गंदगी पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर भी असंतोष प्रकट किया। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 9:45 पर तहसीलदार सहित अन्य नायाब तहसीलदार का उपस्थित न होना आपत्तिजनक है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कहा कि तहसीलदार, नायाब तहसीलदार प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक अपने कार्यालय में बैठेंगे,
और जनता की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जन सुनवाई एवं जन समस्याओं के निस्तारण के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और कोई भी व्यक्ति निर्देशों की अवहेलना करने पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि तहसील में मात्र नाजिर ही उपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने कहा कि विभागीय कार्यवाही आदेशों निर्देशों को न मानने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही के साथ साथ निलंबन भी होगा, अतः सभी अधिकारी शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें या अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए तैयार। हाँ बिल्कुल, उसमें कमियां पाई गई थी। तहसीलदार तहसील में 9 बजे बैठने के आदेश हैं और वो तहसील में बैठा नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लस जो है वो हॉस्पिटल में दवा की प्रॉब्लम थी, करीब 9:20-25 तक लोग काउंटर पर खड़े थे, उनके लिए दवाएँ नहीं आई थी, जिसके बारे में जो प्रभारी CMS है उनका एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे। जनशक्ति पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आकाश ग्रुप द्वारा लोगों को भ्रमित कर मधुबनी कॉलोनी की तरफ से रास्ता दिखाकर करोड़ों रुपए हड़पने व मानचित्र के विपरीत रास्ते को बंद कराने की मांग को लेकर कमिश्नर कार्यालय पर आकाश ग्रुप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन अपर आयुक्त प्रशासन को सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। आकाश ग्रुप के स्वामी महेश अग्रवाल व आकाश अग्रवाल द्वारा लोगों को भ्रमित कर मधुबनी कॉलोनी की तरफ से रास्ता दिखाकर करोड़ों रुपए हड़पने व मानचित्र के विपरीत रास्ते को बंद कराने को लेकर बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉ. अरविंद कुमार सिंह राठौर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आकाश ग्रुप के खिलाफ अंबेडकर पार्क से कमिश्नरी तक जुलूस निकालकर विरोध जताया। थैंक यू सर। कहाँ जाना है सर? सर ये मधुबनी पार्क के कॉलोनी के सामने आकाश रेजिडेंसी बनाई जा रही है। रेजिडेंसी बनाई जा रही है जी, जिसमें कि अवैध रूप से जो रास्ता खोला है, जो RTI के तहत तो खुलासा हुआ है कि आवंटित MDA के साथ ही 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अपर आयुक्त प्रशासन को सौंपा। वहीं लोजपा के जिला अध्यक्ष डॉ. अरविंद ने कहा कि आकाश रेजिडेंसी के स्वामी द्वारा लोगों को गुमराह कर लुभावने विज्ञापन छपवाकर पैसा हड़पने का कार्य किया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के तहत जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान, खाद उपभोक्ता मंत्री केंद्र सरकार भारत सरकार से, उनकी देखरेख में लोक जनशक्ति पार्टी को जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार राठौर के द्वारा मुरादाबाद चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में जन समस्याओं को लेकर के एक आकाश ग्रुप रेजिडेंसी मधुबनी कॉलोनी में बनाई जा रही है, जो एक अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, जिसका रास्ता मुख्य द्वार उन्होंने मधुबनी कॉलोनी की तरफ को खोल दिया है, जो आवंटित MDA मकान को तोड़ करके बनाए गए हैं। 2 रास्ते बनाए गए हैं जिसमें एक फाटक लगा है और एक रास्ता मुख्य द्वार से खुला हुआ है। उनका जो रास्ता अपना पहला था उन्होंने बंद कर दिया है, जो गरीब जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जो 10% गरीब जनता के लिए वो मकान अलर्ट दिए जाते हैं वो कहीं नहीं दिया जा रहा है। जो प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ लगाए जाते हैं वो कहीं नहीं लगाए जा रहे हैं। तो मानचित्र लगाया जाता है वो कहीं जनता को नहीं दिखाया जा रहा है। क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी ये मांगे हैं, जो आकाश रेजिडेंसी ग्रुप है जो अवैध रूप से जो रास्ता खोल रखा है, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए कमिश्नर महोदय जी उसको बंद कराएं, ताकि जो जनता गुमराह ना हो और मानचित्र उधर से लगाएं जहां पर उनका रास्ता हो। कहीं उधर को रास्ता है ही नहीं, जनता को गुमराह करके करोड़ों के बारे के न्यारे कर रहे हैं ये जनता को गुमराह करके। और उन पर हम चाहते हैं कि एक केस भी दर्ज किया जाए, जनता की धोखाधड़ी करने का एक केस उनका दर्ज किया जाए। अगर ये नहीं मानते हैं तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री लखनऊ जाकर के उनको अवगत कराएंगे। 8 दिन का हम उनके समय दे रहे हैं। इस मौके पर कम्मो शर्मा, अफरोज साइद, सचिन सिंह, विकास हरिओम आदि लोजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS News, मुरादाबाद।
बुधवार को विश्व रक्तदान दिवस के चलते जिला अस्पताल में अमर उजाला की ओर से एक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने रक्तदान किया। विश्व रक्तदान दिवस के चलते विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अमर उजाला के सिटी इंचार्ज उमेश शर्मा ने बताया कि इस कैंप में सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया है। रक्तदान एक महादान है। रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। फाउंडेशन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है यहाँ जिला अस्पताल मुरादाबाद में। और कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है? अभी तक करीब 130 लोगों ने यहाँ ब्लड डोनेट किया है। और हमारे रामपुर, संभल, अमरोहा, हसनपुर, गजरौला, जो बाकी ब्यूरो ऑफिस हैं, वहाँ भी बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन। आम जनता तक क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसमें हिस्सा लें, रक्तदान करें, क्योंकि उनका जो दान किया हुआ ब्लड है वो किसी का जीवन बचाने के काम आ सकता है। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के बैनर तले किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बिजली विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न व 60 वर्ष वाले किसानों को पेंशन आदि की समस्याओं की अनदेखी किए जाने को लेकर बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ठाकुर शंकर सिंह के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर किसानों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जो न माने झंडे से अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। साथ ही 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर शीघ्र ही समस्याओं को हल करने की मांग की। 5,000 रुपए महीने प्रति माह की घोषणा की थी मोदी जी ने, अभी तक नहीं दिए ना, अभी तक उस पर उतरे। किसानों का मुआवजा माफ करने को कहा था, उसमें भी लॉलीपॉप दे दिया। हमारी मुख्य मांगे इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश के किसानों को 5 करोड़ रुपए एक परिवार को दिया जाए। जब तक आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने बिगुल बजा दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश में कलेक्ट्रेट किसान यूनियन ने घेर रखा है और आज से प्रदेश व्यापी धरना चालू हो गया है। कार्यालय व्यापी 10 से 5 बजे तक हम रोज बैठेंगे और जब तक बैठेंगे, जब तक हमारी मांगों को मान लिया ना जाए। और इसके लिए दिल्ली को बंद करना पड़ा तो दिल्ली की कूच करी जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश पर। लखनऊ की कूच करनी पड़ेगी तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर, जो भी निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष के होंगे उस पर। इस मौके पर नन्नू सिंह, राधेश्याम यादव, आलोक सिंह आदि किसान मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को CL गुप्ता नेत्र संस्थान में UP बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा को पास करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि DIOS PK द्विवेदी के द्वारा 130 छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्थान की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर आशी खुराना ने सभी का स्वागत व अभिनंदन किया। साथ ही CL गुप्ता नेत्र संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप ने बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कैरियर चुनने की सलाह दी। शहर और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे कुंदरकी, छजलैट, यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों के 11 स्कूलों के 15-15 टॉप बच्चों को बुलाकर, अपने CL गुप्ता इंस्टीट्यूट के प्रांगण में बुलाकर उन सबको सम्मानित किया। इसमें से कुछ छात्र थे जो कि स्कूल में 80% से अबव मार्क्स आए थे, उनको हमने गोल्ड मेडल की श्रेणी से नवाजा। जो 70% और 80% की श्रेणी में आए थे उनको हमने सिल्वर मेडल दिया, और 65-70% वाले बच्चों को हमने कांस्य पदक से नवाजा। ये हमारा इंस्टीट्यूट का पहला प्रयास था। ये हमने इसलिए करा जिससे कि हम
नेत्र की सेवा तो अपने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में देते ही हैं, उसके साथ साथ हमने विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों को भी आज ये शिक्षा दी कि उनको सेवा के कार्य के लिए किस तरीके से आगे आना चाहिए। वो अब 12th क्लास पास करके अब एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो उस नए जीवन में उनका सेवा का भी एक संकल्प होना चाहिए। ये संकल्प हमने उनको दिलवाया और उनसे उनके भावी जीवन में भविष्य उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं की और ये उनको प्रेरित किया कि वो समाज में एक अच्छे नवयुवक नवयुवती बनकर इस समाज को अपनी सेवा से प्रदान कर सके। आगे भी ऐसे आपके द्वारा आयोजन कराए भविष्य में हम हर प्रतिवर्ष हम नए क्षेत्र में नए नए प्रयोजनों का सोचते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम खाली आई की क्षेत्र में सेवा ना करके हम विभिन्न क्षेत्रों तक अपनी सेवाओं को पहुंचाएं और लोगों को प्रेरित करें और उनको इस बात का हम बढ़ावा देते हैं कि वो आएं हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे संस्थान में आएं और देखें हम यहाँ किस प्रकार बिना किसी भेदभाव के हम हर गरीब का अमीर का इलाज करते हैं। वो ये बात हमसे सीखे और भविष्य में एक अच्छा इंसान अच्छा नागरिक बन सके। कार्यक्रम में RN इंटर कॉलेज मुरादाबाद, किसान पब्लिक इंटर कॉलेज कुंदरकी, मौलाना मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज मुरादाबाद, रमेश कुमार साहू कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद, जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज सिरसी संभल, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद एवं JLM इंटर कॉलेज कुंदरकी व गौरव पाल इंटर कॉलेज, गोल्डन इंटर कॉलेज, रामसरन लाल इंटर कॉलेज आदि के छात्र छात्राओं को अकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2017 में सम्मानित किया गया। संस्थान की ओर से आज मेधावी छात्र छात्राओं को हमने सम्मानित किया, जिसके अंदर 90% से लेकर के और 65% तक के जो छात्र हैं साइंस स्ट्रीम में, जिन्होंने मुरादाबाद मंडल में 90% से लेकर 65% तक स्कोर किए हैं, उन सभी बच्चों को यहाँ पर आज मेडल पहना करके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में उनको सम्मानित किया गया। खुशी की बात यह है कि इसके अंदर करीब 11 स्कूल के बच्चों को हमने बुलाया, जो केवल मुरादाबाद ही नहीं मुरादाबाद के आसपास की पैरिफेरी से भी आए थे और सभी बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। सभी प्रिंसिपल सभी बच्चे बहुत ही उत्साहित थे कि उनको इस तरीके के सम्मान से नवाजा गया। क्या उद्देश्य रहता है ऐसे? सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहता है कि ये बच्चे अब अपने जीवन की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। अगर इस समय हम इनके हौसलों में और जान भर देंगे तो शायद ये अपने लिए एक सही करियर चूज़ कर पाएंगे और मोटिवेटेड होंगे और कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए सर्व कर पाएंगे। फ्यूचर में भी ऐसे आयोजन करेंगे? सर हम लगातार काफ़ी सारी सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स ऐसे कर चुके हैं जिसमें हमने महिलाओं को भी सम्मानित किया, आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी किया है और आज स्टूडेंट्स को भी किया है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम संस्थान में आगे भी आयोजित होंगे। बुधवार को नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के स्टेशन शाखा के पदाधिकारियों की एक मीटिंग स्टेशन रोड स्थित कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव भी आयोजित किया गया। बुधवार को नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारियों का चुनाव स्टेशन रोड स्थित कार्यालय पर संपन्न कराया गया। यह चुनाव केंद्रीय उपाध्यक्ष रामोतार मीना की देखरेख में संपन्न हुआ। चुनाव में दिलीप रस्तोगी को अध्यक्ष, आइवन एडिसन को सचिव, संजय गुप्ता को कोषाध्यक्ष, कुलदीप भूषण को उपाध्यक्ष आदि सहित विभिन्न पदाधिकारियों को भिन्न भिन्न पद सौंपे गए। ये साथी बिमला मिश्रा, इनको भी कार्यकारिणी के मेंबर विशेष अधिकार के तौर पर मनोनीत किया जाता है। इस मौके पर AIRF के जोनल सचिव DN चौबे, मंडल सचिव MP चौबे, अध्यक्ष RK वाली आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज ये मीटिंग जो है वो हमारी जो स्टेशन शाखा है, खासतौर से नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की ये परंपरा है कि हर शाखाओं का 3 साल के बाद गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होता है। तो अभी हमारा 20 तारीख को मतदान से डेलीगेटों का चुनाव हुआ था, जिसमें 41 डेलीगेट निर्वाचित हुए। अब उनके शाखा के कार्यकारिणी का गठन होना है। केंद्र से हमारे चुनाव अधिकारी के तौर पर केंद्रीय उपाध्यक्ष साथी राम अवतार मीना जी यहाँ आए हुए हैं, हमारे सहायक महामंत्री श्री DN चौबे जी हैं,
और शाखा के सारे प्रतिनिधि आज अपने कार्यकारिणी का गठन करेंगे। हमारे वहाँ संविधान में ये प्रोविजन है कि कोई भी केंद्रीय नेतृत्व किसी भी शाखा के किसी भी पदाधिकारी को अपने आप मनोनीत नहीं करता है। जो कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं उनका चयन डेलीगेटों का चुनाव सदस्य करते हैं और जो डेलीगेट बन के आते हैं वो अपने कार्यकारिणी का गठन करते हैं। तो उसी कड़ी में आज ये शाखा स्टेशन शाखा की त्रैवार्षिक AGM बुलाई गई है और यूनियन के तमाम इतिहास को, यूनियन के अचीवमेंट को, आने वाले दिनों में क्या संघर्ष है उसके विषय में भी चर्चा हुई है। आज स्टेशन ब्रांच के यूथ विंग का भी गठन हुआ है, महिला विंग का भी गठन हुआ है और इसके बाद अभी कार्यकारिणी का चुनाव होने जा रहा है। इसी तरीके से हमारी 18 शाखाएं हैं जिनका भी चुनाव नहीं होता है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। और उसके बाद जब मंडल का भी, तो आज उसी उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई है और मुझे उम्मीद है कि सर्वसम्मति से आपसी कोई मतभेद नहीं होगा और शाखा के कार्यकारिणी का गठन सुचारू रूप से। बुधवार को सिविल लाइन्स स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर राष्ट्रभाषा हिंदी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक AK सिंघल ने की और संचालन अपर मंडल रेल प्रबंधक संजीव मिश्रा ने किया। इस बैठक में मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के स्टेशनों पर राष्ट्रभाषा पदाधिकारियों को बुलाया गया था। साथ ही यह समीक्षा की गई कि हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मंडल रेल प्रबंधक AK सिंघल ने सभी पदाधिकारियों का परिचय भी प्राप्त किया और सभी से अनुरोध किया कि वह अपना कार्य ज्यादा से ज्यादा हिंदी में करें। साथ ही अपने साथी अधिकारियों को भी प्रेरित किया कि वह केवल हिंदी में कार्य करें। DRM AK सिंघल ने बताया कि जो पुस्तकालय मुरादाबाद डिवीजन में है उसको और बेहतर किया जाए और जो कमियां हैं उनका सुधार भी किया जाए। रेल प्रशासन के स्तर से हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए जो कार्य किए जाएंगे उनमें कोई कमी नहीं की जाएगी। पुस्तकालय हैं उनमें पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए आप अपने स्तर पर प्रयास करें। कार्यदर्शी अधिकारी से अनुरोध करूँगा कि वो सभी पुस्तकालयों में जाकर उन्हें व्यवस्था के ऊपर एक निरीक्षण रोक दें, उसमें फर्नीचर की व्यवस्था, कंप्यूटर की व्यवस्था जिसकी किताबों को इलेक्ट्रॉनिकली रखा जाए, किताबों के रखने के लिए अलमारियों की व्यवस्था और कमरे का जिन्हों का उसको प्रॉपरली किया जाए जिससे कि हम पाठकों की संख्या को बढ़ा सकें। इसके साथ ही जो पुरानी पत्र पत्रिकाएँ हैं उनका निस्तारण बहुत आवश्यक है, उसको समय समय पर करना आवश्यक है। उसके बारे में जितनी भी सूचना है वो राज्य आशा अधिकारी अपर मंडल रेल प्रबंधक को दें। तीसरा, जितना भी कार्य हिंदी में होता है DRM कार्यालय में जितने कंप्यूटर हैं वो सभी दुभाषी और हिंदी में होने आवश्यक है, उनको भी निरीक्षण कर चेक करके बताया जाए कि सभी कंप्यूटर दुभाषी कार्य कर रहे हैं। जिन विभागों में कम काम हो रहा है, जो हिंदी के में आने वाले पत्र हैं वो हिंदी में उत्तर दिए जाएँ और जो अंग्रेजी में पत्र हैं उनको भी हिंदी में बात किया जाए, उसमें भी कार्य होना बाकी है, उस पर ध्यान रखकर चर्चा करें और जहाँ पर सुधार हो सकता है उसको करें। जितने भी सुरक्षा संबंधी आदेश हैं वो सभी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमें नितांत आवश्यक है। कोई भी परिपत्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अंग्रेजी में केवल जारी होगा। जितनी संरक्षा से संबंधित और सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं हैं ये सभी हिंदी में होनी चाहिए जिससे कि हमारे कर्मचारी उनको समझ सकें और उनको क्रियान्वयन कर सकें। हमारे निरीक्षण नोट हिंदी में हो और जितने राजभाषा अधिकारी सभी स्टेशनों पर जाकर जैसे मेमो, जो ये कोच के ट्रेन के मेमो होते हैं, स्पीड कॉशन के मेमो होते हैं, लाइन जब ट्रेन रुकती है उसको चलाने का मेमो होता है, वो सभी मेमो
हिंदी में लिखे होने चाहिए जिससे कि हमारे कर्मचारी उनको समझ सकें, क्योंकि सभी मेमो हर विभाग में यूज होते हैं, सिग्नलिंग विफलता पे, विद्युत विफलता पे, यातायात विफलता पे, ये सब जो मेमो दिशा होते हैं उनके बारे में राजभाषा अधिकारी जाकर उसको चेक करें और उसके जो सुचारू रूप से यूज किए जा रहे हैं उसके। इस मौके पर मुख्य रूप से सीनियर डीपीओ मोनिका सिंह, सीनियर डीसीएम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कौसर अली, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। संभागीय परिवहन विभाग द्वारा सभी आरटीओ और एआरटीओ को निर्देश दिए गए थे कि पहली जून से सभी गाड़ियों के ई चालान काटे जाएंगे, जिसमें अब तक 180 ई चालान काटे गए हैं, जिसकी अधिक जानकारी आरटीओ जयशंकर तिवारी ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। लगातार चलती रहती है और सभी वाहनों का ई चालान ही हो रहा है। इस समय जनपद में लगभग 180 से भी ज़्यादा ई चालान हुए हैं और उनके निस्तारण की कार्रवाई उसी तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम से ही हो रही है और ये भविष्य में भी जारी रहेगी। क्या लक्ष्य है, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया? अब कोई लक्ष्य नहीं है। 1 जून से स्ट्रिक्टली परिवहन आयुक्त कार्यालय से ये निर्देशित किया गया है कि हर गाड़ी का चालान ई चालान से ही होगा। मंगलवार की रात बुध बाजार स्थित महाराजा होटल में पंजाबी एकता मंच की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी समय में लागू की जा रही जीएसटी को लेकर चर्चा की गई। आगामी 1 जुलाई से जीएसटी लागू की जा रही है, इस पर चर्चा को लेकर बीती रात बुध बाजार स्थित महाराजा होटल में पंजाबी एकता मंच की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि आगामी समय में जो जीएसटी लागू की जा रही है उसमें व्यापारी वर्ग को टैक्स को लेकर स्थिति साफ नहीं हो रही है, वैसे ही व्यापार का स्तर नीचे जा रहा है। 5% टैक्स लगाना, मैं समझता हूँ, मैं अपने समाज की तरफ से, अपने इस संगठन की तरफ से इस चीज़ का पुरजोर विरोध करता हूँ कि ये कम से कम इस चीज़ पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। कपड़े पे, कपड़ा एक गरीब आदमी की नीड है। क्या मतलब, सरकार ये चाहती है कि गरीब आदमी कपड़े ना पहने? आज गरीबों की ऐसी स्थिति हो गई है, हम तो अच्छे फैमिली से आते हैं, आज हम इतने परेशान हैं कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, एक आम आदमी का क्या हाल होगा जो भाई साहब 10,000 महीना कमाता है ना। बैठक के दौरान मंच के कोषाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार को टैक्स की जानकारी साफ करनी चाहिए। और आज जीएसटी के उपलक्ष्य में हम सारे पंजाबी भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस पे विचार विमर्श चल रहा है कि ये हमारे पक्ष में जा रहा है या विपक्ष में जा रहा है, तो इसको लेके हम आज एक मंथन कर रहे हैं और हमारी सरकार से ये अपील है कि हमें हर चीज़ की पूर्ण जानकारी दी जाए, क्योंकि अभी हम लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा कि हमारे ऊपर कितना टैक्स किस स्लैब के ऊपर आ रहा है और सीधा हम पे 1 जुलाई पे टैक्स लगाने की बात चल रही है और हर व्यापारी उससे कहीं ना कहीं भयभीत है, तो ये कहीं ना कहीं एक मिथ्या का माहौल भी बना हुआ है। हो सकता है ये हमारे पक्ष में हो और हो सकता है ये विपक्ष में भी हो, तो हमारी सरकार से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जल्दी बता के इसकी पूरी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएँ। दूसरा, व्यापारी वर्ग इस बात से भी परेशान है कि अब हर व्यापारी को शायद अब एक अकाउंटेंट मेंटेन करना पड़ेगा, शायद वो व्यापारी जो अभी अपने सिर्फ दाल रोटी के खर्चे चलाता था, कल क्या वो एक अकाउंटेंट को भी मेंटेन कर पाएगा? तो इसी चीज़ को लेकर हम सबकी एक मंथन चल रहा है, तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि छोटे व्यापारियों के हित में ध्यान रखते हुए इसके ऊपर विचार विमर्श करें। क्या अगर ये आपके विपक्ष में जाता है फैसला, तो फिर आपका मंच क्या करेगा? अभी हमने उसकी कोई रणनीति नहीं बनाई है और अभी तो हम सिर्फ ये विचार कर रहे हैं कि पहले ये हमें पता चले कि टैक्स का स्लैब क्या है। अभी हम उसकी रणनीति के ऊपर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, अभी हमारी जितनी भी रणनीति है हम यही हैं, हम सरकार से बस अनुरोध कर रहे हैं कि गरीबों का ख्याल रखते हुए टैक्स की सीमा को निर्धारित किया जाए, क्योंकि इस प्रावधान से कहीं किसी गरीब का नुकसान ना हो, यह बहुत ज़रूरी है और आज व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानी में महसूस कर रहा है। इस दौरान प्रिंस जुनेजा, ललित धवन, परमिंदर सरूजा, प्रदीप सेठी, अरविंदर सिंह तुली मौजूद रहे। शिवसेना की जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने मोहल्ला कानून गोयान में स्थित रानी किशोरी के मंदिर में 18 बीघा जमीन को बाबा शिव नारायण दास व प्रेम नारायण द्वारा बिक्री किए जाने पर कार्यवाही की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने मोहल्ला कानून गोयान में स्थित रानी किशोरी के मंदिर की लगभग 18 बीघा जमीन पर बाबा शिव नारायण दास व प्रेम नारायण द्वारा बिक्री किए जाने पर कार्यवाही की मांग को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा और मंदिर भूमि को शीघ्र ही खाली कराने की मांग की। आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रानी किशोरी मंदिर मोहल्ला कानून गोयान में 18 बीघा जमीन भू माफिया बाबा द्वारा बेच देने पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। ज्ञात होगी मध्य प्रदेश का बाबा शिव नारायण दास प्रेम नारायण दास ने कुछ वर्ष पूर्व पूजा पाठ के नाम पर मंदिर पर कब्जा कर लिया था। अब वर्ष 2016 व इससे पूर्व में 18 बीघा मंदिर की जमीन बेच दी है। बाबा भूमाफिया है, बाबा भक्तजनों को कबीरपंथियों को धमकाता है कि अगर मेरे खिलाफ कहीं भी शिकायत की तो मैं तुम्हें फर्जी केस में फंसवा दूंगा। अतः शिव सैनिक मांग करते हैं कि भूमाफिया बाबा के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, मंदिर की भूमि खाली कराई जाए, अन्यथा शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी। इस मौके पर मंजू राठौर, अंकुर अग्रवाल, रामोतार आदि शिव सैनिक मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को वार्ड 6 के नया गांव के पूर्व पार्षद राधेश्याम के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने पर्वतारोही स्वर्गीय रवि कुमार को यादगार बनाने के उद्देश्य से 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पर्वतारोही स्वर्गीय रवि कुमार, जिन्होंने की दुनिया की 5 चोटियों पर तिरंगा फहराया था, उनका अंतिम टारगेट विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर विजय प्राप्त करना था। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से लौटते समय संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी अकाल मृत्यु हो गई। पर्वतारोही स्वर्गीय रवि कुमार को यादगार बनाने, उनके नाम को सदा अमर रखने के उद्देश्य से बुधवार को भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद राधेश्याम के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार को भेजा। हमारी मांग है स्वर्गीय रवि कुमार को राष्ट्रीय पद्म श्री सम्मान से पुरस्कृत किया जाए, PSC तरह का नाम पर्वतारोही स्वर्गीय रवि कुमार रखा जाए, सोनापुर स्टेडियम रामा विहार में उसकी प्रतिमा स्थापित की जाए, रवि कुमार के नाम से उसके गांव भोला सिंह की मिलत में इंटर कॉलेज खुलवाया जाए। रवि कुमार का सपना था कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करके मुरादाबाद में पर्वतारोहियों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलवाऊंगा, उसका ये सपना पूरा किया जाए और मुरादाबाद में पर्वतारोहियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट खुलवाया जाए। पर्वतारोही रवि कुमार के परिजनों को 50 लाख की सहायता राशि केंद्र सरकार में, 25 लाख की सहायता राशि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से शीघ्र दी जाए। सोनकपुर काशीराम निर्माणाधीन ओवर फ्लाई का नाम पर्वतारोही रवि कुमार फ्लाई ओवर रखा जाए। मानी से करने के लिए उक्त मांग को शीघ्र पूरा करने के निर्देश सरकारी अधिकारियों को देने का कारण, यदि ये मांगें पूरी नहीं की जाती तो पूरा दलित समाज सड़कों पर उतर आएगा और आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस मौके पर मिंटू सैनी, मुरारी लाल, कृष्णमणि शर्मा, हरजीत आदि स्थानीय लोग उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चकबंदी के नाम पर किसानों का अधिकारों द्वारा उत्पीड़न किए जाने को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी किशन लाल सिंह के नेतृत्व में किसानों ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी मुरादाबाद द्वारा ग्राम खद्दर में चक बनाने में बड़े पैमाने पर धांधली करके गरीब व छोटे चकदारों की अच्छी जमीन के चक नदी व रेत में उड़ान चक बनाए जाने को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ग्राम सैदपुर खद्दर, मऊ, नया गाँव, हरदासपुर, वोखरपुर, इस्लामनगर क्षेत्र में जो किसान हैं वहाँ पर चकबंदी चल रही है। अब क्या है कि कुछ अधिकारियों ने ढीठता दिखाते हुए, मक्कारी दिखाते हुए सरकार को बदनाम करने के लिए वहाँ पर अब चकबंद बनाने शुरू करे हैं। और चकबंदी का मतलब होता है एक चक बनाना, लेकिन यहाँ बहुत सारे टुकड़ों में गरीब किसानों को जो पैसा नहीं दे रहे हैं
उनको छोटे छोटे कई जगह चक बना रहे हैं। इस मामले की जानकारी करके इस मामले को गंभीरता से देख करके आज हमने जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया है। क्या मांग की है आपने? हमने मांग की है कि चकबंदी का मतलब चक बनाना होता है और उनको सभी के सहमति से और ठीक तरीके से जनता में न्याय दिखाई देना चाहिए। किसी प्रकार से सरकार की बदनामी नहीं आनी चाहिए, अधिकारियों की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, किसी का गला नहीं दबना चाहिए, किसी की शिकायत ना हो, ऐसा काम करें, ऐसे सरकार की मंशा है। तो हम लोगों ने केवल ये निवेदन उनसे किया। इस मौके पर रवि सिंह, परमाल सिंह, मुन्नू सिंह, देवेंद्र सिंह आदि किसान मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। सदर कोतवाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 38 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने करेंसी की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 38 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। बुध बाजार में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब एक कार को तलाशी के लिए रोका तो कार चालक कार को भगाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कार को रोक लिया। कार की तलाशी के दौरान पुलिस को कार में रखा एक बैग मिला, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें 38 लाख रुपए की नकदी मिली। पुलिस ने जब दोनों कार सवारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों नकदी को लेकर कोई साफ जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने बरामद रकम को लेकर जाँच शुरू कर दी है। वहीं बैंक कर्मियों और इनकम टैक्स को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। SSP के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। आरोपी पैसा मुरादाबाद के गांधीनगर से एक कारोबारी के घर से लेकर आए थे और किसी बैंक में ले जाने की बात कह रहे थे, लेकिन बैंक को लेकर कोई जानकारी आरोपियों के पास नहीं है। पैसा इनसे लिया था गांधीनगर से। कहां ले जा रहे थे? बैंक के लिए बोला था उन्होंने ले जाने। किसका पैसा है? पैसा क्या काम करते हो? चीनी का व्यापार है। चीनी का? किस बैंक ले जा रहे थे सर? वो मैं आपको बता चुका हूँ, बताया था। आज श्रीमान ADG जोन महोदय के निर्देश पर 3 घंटे की चेकिंग अभियान का शुभारंभ हुआ था। चेकिंग चल रही थी, उसमें एक कार से एक संदिग्ध बैग दिखा। क्योंकि इस समय बहुत ही संवेदनशीलता है, उसके दृष्टिगत बैग चेक किया गया तो बैग में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। लगभग 38 लाख रुपये इसमें बैग में हैं, प्रमुखता जो काउंट हो रही है। और बाकी बैंक के कर्मियों को बुलाया गया जिससे वो पूरी गणना कर लें और नोटों की जांच कर लें कि ये नोट सारे सही हैं या गलत हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वित्तीय बजट में जो प्रावधान किया गया कि 3 लाख से अधिक कैश कोई लेकर के आम तौर पे नहीं चलेगा, तो ऐसी स्थिति में संदिग्ध धनराशि है, इसकी जाँच की जा रही है। लेन देन में प्रायः कोशिश की जा रही है कि चेकों से लोग करें, तो ऐसे में ये किसी गोपनीय व्यवहार का पैसा प्रतीत हो रहा है। जो संदिग्ध है, इससे पूछताछ पे इसने ये तो बताया कि पैसा एक व्यापारी ने कहा था ले जाने को और बैंक ले जाने को, लेकिन किस बैंक को ले जाना है, कहाँ ले जाना है, सब कुछ बता नहीं रहा था। और अभी इसने बताया कि किस जगह से पैसा कलेक्ट किया, ड्राइवर ने जो निशानदेही की है, इसके आधार पर वहाँ पर पूछताछ की जाएगी जिससे स्रोत स्पष्ट हो जाए और इनके ऊपर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आयकर अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है और उनको बुलाया गया कि मौके पर आकर के इसकी गहनता से जाँच पड़ताल करें। जिस स्रोत से ये पैसा लेके आया, अभी इसने बताया हुआ, उन स्रोतों की भी जांच की जाएगी, कहां से पैसा उठाया, क्या है, कहां पे कैश है, कितना कैश है, किस तरह से ये व्यवहार हो रहा है। और निश्चित रूप से इस समय ये इतनी बड़ी मात्रा में नकदी लेकर के चलना गंभीर संदेह पैदा करता है। दो लोग पूछताछ के लिए हिरासत में हैं। बुधवार को कटघर थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन के चलते दबंगों ने एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल का अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है। पैसों के लेन देन के चलते युवक के साथ मारपीट की ये घटना कटघर थाना क्षेत्र स्थित बलदेवपुरी की है। दरअसल गोविंद नगर का रहने वाला भूरे सिंह ट्रैक्टर से मिट्टी ढोने का काम करता है। उसने विकसित इंटर कॉलेज में 6 ट्रॉली मिट्टी डाली, उसी के पैसों को लेकर मारपीट हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल का अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। ट्रैक्टर से भरा करता हूं मैं। जी हाँ, फिर क्या हुआ, आज क्या घटना हुई? भाई साहब, मैंने जो विकसित इंटर कॉलेज में 5 का था ट्रॉली गिरी रात में, 600 रुपये ट्रॉली के हिसाब से पैसों के कहा पीछे, उससे जो कहा जो झगड़ा का हुआ मेरा, उसी ने मेरे खोपड़ा का मार दिया। तो एक जो कहा था विकसित इंटर कॉलेज का मालिक, 5 थे कहा था जो लेबर थे उसके। अच्छा, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? पैसों के पीछे हुआ। आप पैसे मांग रहे थे? हाँ। वो माने कर रहे हैं? हाँ। तो क्या मारा आपके? हैं? सरिया मारी सर मेरे। क्या नाम है उनके मानने वालों के? हैं? मानने वाले का नाम क्या? मानने वाले का नाम का नहीं पता। विकसित इंटर कॉलेज का मालिक है वो, जिसने कहा था सरिया मारी सर मेरे।
तो कब की घटना है? आज आज ही रात की है। अच्छा तो ये बताओ मेरे पुलिस में तहरीर दी आपने? हाँ दिया। पुलिस पहुंची मौके पर? जी पुलिस मौके पर पहुंची। नहीं 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 पहुंची। अब आप कैसे पुलिस तो जो कहा था जो लेकर जो कहा था जो कचहरी को आ गई आपको। बुधवार को सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। बुधवार को सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों की मौत के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा और मध्य प्रदेश में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा भी दिए जाने की मांग की। ये आज का जो हमारा यहाँ पर धरना है जो मध्य प्रदेश में किसानों पर जो गोलीबारी हुई है और किसानों की जो हत्या हुई है इसको लेकर आज हमारी पार्टी ने पूरे ही देश में एक मांग दिवस के रूप में ये कार्यक्रम रखा है। आज हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करके ये उनके समर्थन में हम एक मांग पत्र देंगे कि उनकी मांगों को तत्काल पूरा किया जाए। और जिस तरीके से सरकारें किसानों पर गोलीबारी कर रही हैं इनको बंद किया जाए और उनकी जो मांगे हैं उनको तत्काल पूरा किया जाए, इसी को लेकर आज का हमारा ये यहाँ का कार्यक्रम है। हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे। इस मौके पर मोहम्मद गौरी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, कमलेश चाहल, अविनाश चंद्र आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। भारत स्काउट गाइड संस्थान की ओर से चल रहे निशुल्क जल सेवा शिविर का बुधवार को समापन हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि रोडवेज के सहायक लेखा अधिकारी अमोद कुमार मौजूद रहे। शिविर में विभिन्न विद्यालय के स्काउट गाइड्स ने प्रतिभाग किया, जिसमें 90 स्काउट व 70 गाइड सम्मिलित रहे और निस्वार्थ सेवा की। शिविर का संचालन इब्राहिम अहमद और जिला संगठन आयुक्त स्काउट गाइड कविता रानी ने किया। दुआ निकली होगी और वो भविष्य में आपके काम आएगी। आप एक सच्चे स्काउट हैं और सच्चे स्काउट का कार्य है सेवा, जिसमें आपने मैंने ओपनिंग में भी देखा था और आज समापन के दिन भी आप सभी बच्चे यहाँ पर बहुत अपने सहयोग से। मैं बीच में भी आया था, मैंने देखा था आप लोग अपने कार्य में जुटे हुए थे। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है आपका और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। शिविर में भाग लेने वाले विद्यालयों में चित्रगुप्त इंटर कॉलेज, SS इंटर कॉलेज, अंबिका प्रसाद इंटर कॉलेज, आकांक्षा विद्यालय, महाराजा अग्रसेन हिंदू मॉडल, जीजी हिंदू कॉलेज, रामचंद्र कन्या इंटर कॉलेज, आकांक्षा इंटर कॉलेज, सरस्वती इंटर कॉलेज आदि के स्काउट गाइड्स ने प्रतिभाग किया, जिसमें अमित कुमार, राम गुप्ता, आशीष कश्यप, प्रेम, अजय आदि ने सहयोग किया। शिविर में मुख्य रूप से मुख्य आयुक्त देवेंद्र सिंह, सहायक लेखा अधिकारी अमोद कुमार, कोषाध्यक्ष RK टंडन, ARM संदीप नायर उपस्थित रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। ये हमारा निशुल्क जल सेवा शिविर था जो 26 तारीख से चल रहा था और आज इस कैंप का समापन हुआ। कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया इसमें? इसमें कम से कम हमारे 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें स्काउट गाइड सर। क्या उद्देश्य रहा पूरे कार्यक्रम? हमारा उद्देश्य यही रहा कि इस भीषण गर्मी में बच्चों को ने पानी पिलाकर जो यात्री वाटर के पानी के लिए तरस रहे थे उन्हें उनकी प्यास बुझाई। आगे भी ऐसा कार्य किए जाएंगे? हाँ, ये कार्य आगे चलता है। हम समय समय पर अपनी सेवा देते रहते। क्या दिवसीय कैंप रहा ये? ये हमारा 20 दिवसीय कैंप। इस बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा इस कैंप? हाँ, अभी हमने व्यवस्था रखी है जो हमारे इसमें से प्रत्येक कॉलेज से हम बेस्ट स्काउट और बेस्ट गाइड चुने और उन्हें हम प्राइज। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। CL गुप्ता नेत्र संस्थान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। बुधवार को मुरादाबाद तहसील में मचा हड़कंप, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह पहुंचे रियलिटी चेक करने। आकाश ग्रुप के द्वारा हो रही धोखाधड़ी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा कमिश्नर कार्यालय पर किया गया प्रदर्शन, अपर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने पोषाहार कैंप का किया शुभारंभ, साथ ही बच्चों को ड्रॉप पिलाने की अपील। सदर कोतवाली में वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी से 38 लाख रुपए मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने करेंसी की जांच की शुरुआत।